नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब सूचना में। दोस्तों हम फिर से आ गए आपके लिए DSSSB की तरफ से आया हुआ नया रिजल्ट लेकर। जय सुबह भी DSSSB ने रिजल्ट जारी किए थे, उसके बाद फिर से रिजल्ट आया है जिसकी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली अपडेट भी जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो ये जो रिजल्ट है हमारा, ये है टेक्निकल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट। पोस्ट कोड है 104/20 और इसमें जो टोटल वैकेंट पोस्ट थी हमारी वो थी 4, जिसमें जर्नल की 2, OBC की 1, SC की 1 पोस्ट थी। और यहाँ पे टोटल 18 कैंडिडेट्स थे जो क्वालिफाई कर पाए थे इसके एग्जाम को, जिनमें से टोटल 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। जनरल कैटेगरी से 2, OBC कैटेगरी से 1 और SC कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनके रोल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इसकी जो कट ऑफ रही है वो रही है जनरल की 128.75, OBC की 118.75, SC की 109.50। और इसकी वेटिंग पैनल लिस्ट भी है जिसमें टोटल 13 कैंडिडेट हैं, जनरल के 4, OBC के 5, SC के 4, यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इसकी वेटिंग पैनल लिस्ट की कट ऑफ है जनरल की 107.50, OBC की 96.25, SC की 96.0, ये इसकी कट ऑफ है वेटिंग लिस्ट की। और इसकी जो वेटिंग पैनल लिस्ट है वो वैलिड रहेगी 16/12/2022 तक। तो जिन जिन का भी यह सिलेक्शन हुआ है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसका एक रिजेक्शन नोटिस भी आया है, वो भी देख लेते हैं। तो अगला नोटिस हमारा रिजेक्शन नोटिस है टेक्निकल असिस्टेंट IT इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट। पोस्ट कोड है 104/20 और यहाँ पे टोटल 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। रिमार्क्स में दिया हुआ है कि इन्होंने अपना जो EDOGR है, जो टाइम दिया गया था उसके अंदर इन्होंने अपलोड नहीं किया है, तो ये इनका रिजेक्शन का रीजन है। तो दोस्तों ये थी अभी तक DSSSB की तरफ से आई लेटेस्ट अपडेट। जैसी कोई और अपडेट आती है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि टीचिंग जॉब से रिलेटेड या अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। धन्यवाद।